दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पतंजलि की लौकी घनवटी के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म होता है, लौकी घनवटी यानी कि लौकी का एक्सट्रैक्ट यानी कि लौकी का सत। आज की वीडियो जैसे कि तीन पार्ट्स में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो जल्दी से मैं आपके साथ में शेयर करूंगी लौकी घनवटी के फायदे, और साथ में ही वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी लौकी घनवटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सावधानियां। तो फैक्ट्स और सावधानियां देखे बिना ये वीडियो मत छोड़िएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी कि लौकी घनवटी कब और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए, और वीडियो किसी भी मोमेंट पे आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं इसके फायदे और किन किन बीमारियों पे लौकी घनवटी काम करती है इस बारे में। दोस्तों, जब भी लौकी की बात आती है तो वहां पे हार्ट की समस्याओं की भी बात आ जाती है, बिकॉज लौकी जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए अमृत के समान मानी गई है। तो अगर आप किसी भी कारण से लौकी का जूस या लौकी का सूप नहीं ले पा रहे हैं, लौकी का सेवन करना आपको पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली 100% आप लौकी घनवटी ले सकते हैं। तो लौकी घनवटी का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को नीचे लेकर आती है, और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाती है। तो अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, आपका ट्राइग्लाइसराइड बढ़ा हुआ रहता है, तो बाबा रामदेव के हिसाब से आप लौकी घनवटी का सेवन जरूर करें। तो काफी सारी रिसर्च में ये साबित भी हो चुका है दोस्तों कि लौकी घनवटी हार्ट की फंक्शनिंग को बेहतर करती है, और हार्ट को हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल है, और साथ में ही हार्ट की ब्लॉकेज भी दूर करती है। तो अगर आपको हार्ट से संबंधित यानी कि हृदय से संबंधित कोई भी समस्या है, तो लौकी घनवटी या फिर लौकी आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा बाबा रामदेव के अनुसार ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ही नहीं करती, बल्कि क्योर भी करने में मदद करती है। यानी कि इसका सेवन करने से धीरे धीरे जो आपका हाई बीपी है वो क्योर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लौकी घनवटी का बहुत ही बड़ा जो फायदा है वो है एसिडिटी एंड गैस की प्रॉब्लम में। तो काफी सारे लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी वजह से एसिडिटी की समस्या या गैस की समस्या बनी रहती है, तो उस केस में भी आप लौकी घनवटी का सेवन 100% कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लिवर से रिलेटेड भी कोई समस्या है, फैटी लिवर है, वहां पे भी आप लौकी का सेवन कर सकते हैं। ब्लड शुगर से रिलेटेड कोई समस्या है यानी कि आपको इंसुलिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको डायबिटीज है, या फिर आप में खून की कमी रहती है, तो वहां पे भी आप लौकी का सेवन यानी कि लौकी घनवटी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी घनवटी जो है वो एक ब्लड प्यूरिफायर के वे में भी काम करती है, आपके खून को साफ करती है, इस वजह से आपकी स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि लौकी के फायदे क्या है और किन किन बीमारियों में ये काम करती है। अब बात करते हैं उन दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और सावधानियों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो लौकी घनवटी के एज सच कोई नुकसान कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली लौकी का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, तो हमेशा ध्यान रखिए कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। कड़वी लौकी जो है कभी आपको नहीं खानी है, क्योंकि वो जहरीली होती है, पॉइजनस होती है और बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो आपको लौकी का सेवन करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट करना है कि उसका टेस्ट मीठा होना चाहिए, अगर वो मीठी है कड़वी नहीं है तो ही आप लौकी का सेवन करें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको लौकी को किसी ना किसी रूप में अपने डाइट में शामिल करना ही करना है। अगर आपको लौकी का सेवन करना अच्छा नहीं लगता है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सूप सब्जी या फिर उसका जूस बना पाएं, तो आप 100% लौकी घनवटी का सेवन करें। तो अब बात करते हैं कि लौकी घनवटी का सेवन कब और कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों, आप इसकी 2 टेबलेट यानी कि 2 गोलियां आराम से खा सकते हैं खाना खाने के बाद, ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार, यानी कि 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद। लौकी घनवटी आपको किसी भी पतंजलि के स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 60 टेबलेट यानी कि 60 टेबलेट्स मिलती हैं 200 रुपए में। दोस्तों, लौकी घनवटी से रिलेटेड या जो बीमारियां मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, उनसे संबंधित उनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए।